हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम पेपर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों स्कूल और कॉलेज है वो कब तक खुलेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो अंत तक जरूर से वीडियो को देखना। दोस्तों बड़ी खबर आई है कि अभी नहीं खुलेंगे स्कूल और सिनेमाघर, और कॉलेज और मेट्रो रात्रिकालीन कर्फ्यू खत्म। 1 से 31 तक के लिए अनलॉक 3 के दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कंटेनमेंट सील जोन में कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति दी गई है, लेकिन स्कूल कॉलेज मेट्रो और सिनेमाघर अभी भी नहीं खुलेंगे। सरकार ने इन पर लगी रोक 31 तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। दोस्तों आपके स्कूल कॉलेज हैं वो सभी हैं वो 31 अगस्त तक नहीं खुलने वाले हैं, ये बड़ी खबर आई है। दोस्तों अनलॉक 3 में तो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसमें स्कूल कॉलेज मेट्रो और सिनेमाघर वह 31 अगस्त तक नहीं खुलेंगे। दोस्तों राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए भीड़ जुटाने की अनुमति भी नहीं होगी। अनलॉक 3 में योग संस्थान और जिम को राहत दी जाएगी, और 5 अगस्त के से तय मानकों के आधार पर यह संचालन की अनुमति होगी। इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय परिचालन मानक ASOP जारी करेगा। सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है, अब लोगों के लिए किसी भी समय कहीं आना जाना संभव हो सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से व्यापक विमर्श के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। हालातों का आकलन करते हुए इनके संचालन की तारीख तय नहीं की गई है, और स्वतंत्र दिवस से जुड़े कार्यक्रम को भी शारीरिक दूरी से मानकों व अन्य नियमों के पालन के अनुमति साथ अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के सख्त प्रावधान प्रभावी करेंगे। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के काल के कारण केंद्र सरकार ने 25 मार्च से 31 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था। हालातों के सुधार के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए सरकार ने पहली जून में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की थी। दोस्तों किसे अनुमति होगी कि सरकार के जो अनलॉक 3 में दिशा निर्देश जारी किए हैं, किस किस को जो अनुमति दी जाएगी और नहीं दी जाएगी। दोस्तों वो है अनुमति जो नहीं देने वाले हैं वो स्विमिंग पूल है वो बंद रहने वाले हैं, और मनोरंजन पार्क बंद रहने वाले हैं, और थिएटर वार ऑडियोटोरियम और असेंबली हॉल और ऐसे ही अन्य केंद्र है वो बंद रहेंगे, और सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन अन्य सांस्कृतिक आयोजन की अनुमति नहीं है। भीड़ जुटाने पर रोक है दोस्तों, और अहम बातें हैं कि हालात का मुआवजा करते हुए प्रतिबंधित गतिविधियों को अनुमति देने के बारे में किया जाएगा विचार। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की मंजूरी होगी, समय के साथ इनके विस्तार भी किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रमों को शारीरिक दूरी से मानकों को व अन्य नियमों के पालन के साथ अनुमति होगी। तो दोस्तों ये थे आपके अनलॉक 3 के जो दिशा निर्देश है वो सरकार ने जारी कर दिए गए हैं। 31 अगस्त तक आपके कॉलेज या स्कूल सिनेमाघर मेट्रो ये हैं वो बंद रहने वाले हैं। 31 अगस्त के बाद हैं स्कूलें और कॉलेज हैं वो खुलेंगी, उसके बाद में वो जो है सरकार के दिशा निर्देश द्वारा आपको जारी कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लें। धन्यवाद।